क्या हुआ जॉन सीना और रोमन रेंस का फेस ऑफ, मेन इवेंट में क्या बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला, दो जगह से आज लाइव हुई स्मैकडाउन, एज और सेथ रॉलिंस के बीच क्या दिखा और क्या क्या दिखा आज के इस पूरे शो में, सबके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत जॉन सीना करते हैं, वो कहते हैं मैं एक हफ्ते से यहाँ हूँ, वाकई सरप्राइज था और मनी इन द बैंक में काफी फन देखने को मिला। सीना इस बिजनेस में उतरने से पहले फायरफ्लाई फन हाउस से बचने के बारे में चढ़ाते हैं, फिर वो रोमन रेंस की थोड़ी चेक करना चाहते हैं। वहीं क्राउड बहुत ही जबरदस्त था, मैं यहाँ रोमन रेंस को चैलेंज करने आया हूँ, आप देखना चाहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि आप कितना एक्साइटेड हैं। रोमन रेंस एंड जॉन सीना फेस टू फेस इस रिंग में, क्लीवलैंड से अच्छा प्लेस इसके लिए नहीं होगा। जॉन सीना बताते हैं कि आप सबने सुना होगा मैंने अपना मिडिल नेम गार्डियन चेंज कर लिया है, फिर वो एक सेंटेंस में बोल के कहते हैं कि रोमन रेंस चैंपियन के तौर पर बेकार है। अगर आप सोच रहे हो समर स्लेम में केवल यूनिवर्सल चैंपियन मैच होगा, नो, वो चांस होगा जिसमें हम बिलीव करते हैं उसके साथ खड़ा होने का। फिर वो कहते हैं कि आप टीम जॉर्ज की तरफ हैं या टीम कार्गो पैंट्स की तरफ, मतलब उन्होंने क्राउड से पूछा कि वो टीम हसल लॉयल्टी रेस्पेक्ट की तरफ हैं या उस टीम के साथ जिसे फैंस रिजेक्ट ही करते आए हैं। फिर वो कहते हैं कि ओ ही कांट सी मी, उसे समर स्लेम के बाद सब रियलाइज हो जाएगा कि असली चैंप यहां है। क्राउड जॉन सीना को बड़ा चीयर कर रहा था। जॉन सीना कहते हैं रोमन रेंस ये सुन रहे हो, कम ऑन तो बाहर आओ। रोमन रेंस तो नहीं, पॉल एमन बाहर आते हैं, वो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन फैंस जो क्लीवलैंड में रहते हैं, वो फिर जॉन सीना को गलत बताते हैं और कहते हैं कि रोमन रेंस तुम्हें देख नहीं सकता, नो, रोमन रेंस तुम्हें सुन नहीं सकता क्योंकि तुम सुनने के लायक ही नहीं हो। मैं पॉल एमन तुम्हें वर्ड्स देता हूं कि आज की रात तुम्हारे चैलेंज का आंसर तुम्हें मिल जाएगा और खुद रोमन रेंस इन सबके सामने लाइव आके ऐसा करेंगे। फिर पॉल एमन सीना का म्यूजिक अपने मुंह से निकालते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद हमें फिन बैलर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच एक मैच दिखा। बैल बजते ही सैमी ज़ेन काफी हद तक बैलर को टेक डाउन कर लेते हैं, पर तभी फिन बैलर वापसी करने का ट्राई करते हैं। सैमी ज़ेन पंच मार के उन्हें गिरा देते हैं और रिंग के बाहर करते हैं और दबादब पंचेस उनको रिंग के बाहर लगाते हैं। सैमी ज़ेन अच्छे से हावी हो चुके थे। अब जैसे ही सैमी ज़ेन रिंग में आते हैं, फिन बैलर फुर्ती दिखाते हुए उनमें मार देके रिंग के बाहर करके उन पे शानदार डाइव लगाते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। सैमी ज़ेन ज्यादा हावी दिखाई दिए, बट बैलर स्लिंग ब्लेड देते हैं और फिर शॉटगन ड्रॉप किक देने वाले होते हैं। सैमी ज़ेन उन्हें पावर बम देते हैं। हालांकि एंड में फिन बैलर बैक टू बैक दो बार शॉटगन ड्रॉप किक देके कूड़ी गिरा देके मैच अपने नाम कर लेते हैं। वहीं बैक स्टेज कॉर्बिन दिखे, वो बताते हैं जिसने उनकी वेबसाइट बनाई है उसने ही उनके पैसे और पहचान चुरा ली है, मतलब कि जिसने साइट बनाई वो ही धोखा देके उड़ गया। अब टाइम था मिस्टर मनी इन द बैंक का। जैसे ही वो रिंग में आते हैं, क्राउड यू डिजर्व इट चैंट्स करता है। वो बताते हैं कि संडे 18 जुलाई की रात मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर वो मजाक बनाते हैं कि लैडर से कूदने का मेरा बिजनेस नहीं है, बट फाइनली मैं लैडर पर चढ़ा, ब्रीफकेस उतारा और मैंने अर्न करा ये कॉन्ट्रैक्ट। तभी अपोलो की एंट्री होती है। अब यार फिर से अपोलो और बिगी, वो आके कांग्रेस करते हैं और कहते हैं कि मेरी भी यही फीलिंग थी जब मैंने तुम्हें रसलमेनिया में हरा के टाइटल जीता था। तभी डर्टी डॉग्स आते हैं, कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के बारे में बात होगी तो डर्टी डॉग्स के बारे में भी होगी। तभी इनको नाकामुरा इंटरप्ट करते हैं। अब वो लटकने मटकने में ही टाइम निकाल देते हैं, कुछ बोलते उससे पहले ही सिजारो की एंट्री होती है और वो अपोलो के खिलाफ टाइटल शॉट की डिमांड करते हैं। तभी ये सब आपस में भिड़ जाते हैं, एक साइड अपोलो डर्टी डॉग्स और दूसरी साइड बिगी नाकामुरा सिजारो, ये मिलकर रिंग को खाली कर देते हैं और फिर एंड में अपोलो आते हैं तो सिजारो उनको स्विंग करते हैं। आपको बता दूं स्मैकडाउन आज दो जगह से लाइव थी, शो दूसरी जगह जाता है जहां म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा था। तभी वहां स्ट्रीट प्रॉफिट्स दिखाई दिए, फोर्ड की वापसी भी वहां दिखी। अब हमें वहां डॉकिंस वर्सेस चैट गेवल के बीच एक सिंगल मैच दिखा। डॉकिंस शुरू में ही गेवल की हालत खराब करके रख देते हैं, रिंग काफी ज्यादा हिल रही थी, गेवल फाइट बैक करते हैं। अब ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच, रिंग में लैंड करने पर वो काफी ज्यादा आवाज कर रही थी, एंड में मैच डॉकिंस ने जीत लिया। इसके ठीक बाद ही हमें बियांका ब्लेयर की एंट्री होती दिखाई दी। उनका मैच यहाँ कार्मेला के खिलाफ स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए था। अब क्राउड यहाँ काफी ज्यादा था और भयंकर लाउड था। ठीक ठाक मैच दिखा दोनों वुमेन्स के बीच, बारी बारी से दोनों हावी दिखाई दी। अब ज्यादा तो कुछ खास है नहीं इस मैच में बताने को और जीत यहाँ बियांका ब्लेयर की हुई।
अब शो वापस से अरीना में आता है जहां बैक स्टेज केविन ओवंस टेगान नॉक्स और ब्लैक हार्ट का टैंक देख रहे होते हैं जिसे वो शायद रिपेयर कर रही होती हैं। केविन ओवंस वहां से हटते हैं तभी कॉर्बिन मिलते हैं। वो केविन ओवंस से लास्ट वीक के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी इस बैड हैबिट को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। केविन ओवंस कॉर्बिन की हालत देख के पिघल जाते हैं और कुछ पैसे उनको देकर चले जाते हैं। अब टैंक में से मिसाइल चलती है और कॉर्बिन के लग जाती है, तभी कॉर्बिन वहां गिर पड़ते हैं और डर्टी डॉग्स आके कॉर्बिन से पैसे लेके भाग जाते हैं। केविन ओवंस आके कॉर्बिन को सेव करते हैं और डर्टी डॉग्स को वहां से खदेड़ देते हैं। नेक्स्ट समय एज की एंट्री दिखी, क्राउड भाई साहब पागल सा हो गया था। वो सब फैंस को थैंक्स कहते हैं और कहते हैं कि आप सभी को आइडिया नहीं होगा कि आपका ये रिएक्शन मेरे लिए कितने मायने रखता है। देन वो बताते हैं कि मैंने यहाँ आने के लिए काफी मेहनत करी है। अगर आपने मनी द बैंक देखा हो तो आप जानते हो कि मैं यहाँ यूनिवर्सल चैंपियन के तौर पर खड़ा होता, बट मैं नहीं जीत पाया और इसका एक ही रीजन है, सेथ रॉलिंस। फिर वो साल 2014 के बारे में बात करते हैं जब सेथ रॉलिंस ने उन्हें गर्दन तोड़ने की धमकी दी थी। तब मैंने ट्रिगर नहीं खींचा था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने इस इंडस्ट्री में बुरे दिमाग वालों से काफी कुछ सीखा है। सेथ रॉलिंस को आइडिया भी नहीं है कि एज क्या कर सकता है, लेकिन जल्दी उसे ये पता चल जाएगा। तभी सेथ रॉलिंस आते हैं। एज कहते हैं कि तुम रिंग में आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं वैसे भी आ ही रहा हूं। फिर वो बोलते हैं कि सीना और एज का हैंड्स आउट के लिए आना डिस्कस्टिंग है और मैंने अपॉर्चुनिटी अर्न करी है। फिर वो कहते हैं कि एज एक बदमाश रहा है और एज के सपनों को कुचलने से ज्यादा खुशी मुझे कोई और नहीं होगी। एज अगर लगातार करेगा तो मैं एज को खत्म कर दूंगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि एज खुद को इस बिजनेस से दूर रखे, नहीं तो मैं वादा करता हूं कि अब अगर मुझे तुम्हारी गर्दन तोड़ने का मौका मिलेगा और मेरा बूट तुम्हारी सर्जिकल रिपेयर गर्दन पर हुआ तो मैं ट्रिगर दबा दूंगा। तभी दोनों भिड़ जाते हैं। शुरू में रॉलिंस एज को मारते हैं, बट एज फाइट बैक करते हुए सेथ रॉलिंस में मार देते हैं और स्पीयर देने ही वाले होते हैं। सेथ रॉलिंस निकलकर भाग जाते हैं। एज सेथ रॉलिंस का कोट उठा के पहनते हैं, फिर अपना पिछवाड़ा उससे साफ करते हैं। अब टोनी स्ट्रॉम वर्सेस ज़ेलिना वेगा के बीच मैच दिखा। टोनी का ये डेब्यू मैच था और शायद वेगा उनके लिए इजी टारगेट रही। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच। वेगा भी फाइट बैक करती हैं, बट जीत एंड में इस मैच में टोनी की हुई। नेक्स्ट समय जिम्मी उसो वर्सेस डोमिनिक के बीच सिंगल मैच दिखा। रिंग साइड रे मिस्टीरियो और जे उसो दोनों होते हैं। जिम्मी उसो और डोमिनिक मैच की शुरुआत करते हैं। बैल बजते ही डोमिनिक जिम्मी पर टूट पड़ते हैं। शुरू में डोमिनिक थोड़े ठीक ठाक दिखे, बट जिम्मी उसो उन पे कुछ मूव्स लगा के पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। डोमिनिक अब फाइट बैक करते हैं। जिम्मी उसो को 619 देने ही वाले थे तो जे उसो उन्हें रिंग के बाहर खींच लेते हैं। फिर ये दोनों जा रहे होते हैं तो रे मिस्टीरियो ने जे उसो पर मूव लगा दिया। वहीं रिंग में से डोमिनिक ने जिम्मी उसो पर मूव लगा दिया। अच्छा मैच देखा इन दोनों के बीच जहां डोमिनिक ने काफी इंप्रेस करा। अब डोमिनिक एडी की स्टाइल में जिम्मी उसो को 3 सुप्लेक्स लगाना चाहते थे। एक कनेक्ट होती है और जिम्मी उसो ड्रॉप किक दे देते हैं। डोमिनिक अब 619 लगाते हैं, तभी जे उसो इंटरप्ट करते हैं और जिम्मी उसो सुपर किक देके एंड में जिम्मी उसो डोमिनिक को रोल करते हैं और जे उसो पीछे से सपोर्ट लगा के पिन करवाते हैं और मैच यहां जीत लेते हैं। अब टाइम था रोमन रेंस के दिखने का। वो आके क्लीवलैंड वालों से और जो घर में बैठे उन्हें देख रहे हैं उनसे कहते हैं कि मुझे अक्नॉलेज करें, जैसे जॉन सीना ने करा, उसने मनी द बैंक में करा, रॉ में करा और आज स्मैकडाउन में भी उसने ऐसे ही करा। मुझे लगा था कि जॉन सीना कुछ नया करेगा, लेकिन उसने वापसी के बाद वही पुरानी चीजों को करा है, वही कपड़े, वही एंट्रेंस, वही प्रोमो और सेम इंसल्ट। जॉन सीना साल 2005 से साल दर साल वैसा ही दिख रहा है। रोमन रेंस कहते हैं कि मुझे जॉन सीना को समर स्लेम में देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर रोमन रेंस सीना के चैलेंज को मना कर देते हैं। तभी फिन बैलर की एंट्री होती है। रोमन रेंस उनसे कहते हैं कि सीना की तरह तुम भी मुझे अक्नॉलेज करो। बैलर कहते हैं मैं यहां तुम्हें अक्नॉलेज करने नहीं आया हूं, अगर तुम्हें सीना में दिलचस्पी नहीं है तो शायद मुझ में हो। एकदम से यहां ट्विस्ट देखने को मिला। रोमन रेंस पॉल हेमन से बात करते हैं और फिर रोमन रेंस फिन बैलर के चैलेंज को हां कर देते हैं, मतलब कि ट्राइबल चीफ वर्सेस बैलर के बीच हमें मैच दिखेगा। आज के शो में रोमन रेंस और जॉन सीना का फेस ऑफ नहीं दिखा, जिसकी उम्मीद फैंस लगाए बैठे थे। और इतना ही नहीं, रोमन रेंस ने जॉन सीना के चैलेंज को मना कर दिया है और बैलर के लिए हां कर दी है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि ये मैच समर स्लैम में होगा या नहीं, वहीं देखना होगा इसमें क्या होता है। वहीं एज और सेथ रॉलिंस के बीच शानदार प्रोमो और झड़प देखने को मिली। बस कोई मुझे इतना बता दो कि बिगी और अपोलो के बीच कब सब कुछ खत्म होगा। सिंगल हो, काफी सारे सुपरस्टार हो, अपोलो और बिगी के बीच कुछ खत्म होके नहीं दे रहा है। अब कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।